पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र, स्तोत्र, ज्योतिष आदि सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु को, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके आल के निशान को दबाएं। आप इस वीडियो पर मूल नक्षत्रों के वैदिक मंत्रों को जानेंगे। जब भी किसी बालक का मूल नक्षत्रों में जन्म हो तो इन्हीं मंत्रों को जप करके मूल शांति करवाना चाहिए। तो अब अश्विनी नक्षत्र के मूल शांति का वैदिक मंत्र। हरि ओम मा जावांकसा मधुमत्यस्विना सूनृतावती ताया जजियं मिमिक्षतम मा। यह तो रहा अश्विनी नक्षत्र के मूल शांति का वैदिक मंत्र। अब दूसरा जो मूल नक्षत्र है वह आश्लेखा नक्षत्र है। आश्लेखा नक्षत्र के मूल शांति का वैदिक मंत्र अब। नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथिवी मानु जे अंतरिक्षे जे दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। यह तो रहा आश्लेखा नक्षत्र का मूल शांति का वैदिक मंत्र। अब मघा नक्षत्र भी मूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है, तो मघा नक्षत्र के मूल शांति का अब वैदिक मंत्र। उदीराता मावारा उत्परा स उन्मधिया माहा पीतरः सोम्या सह असुंजाईयुरवृकारितजियास्तेनो वन्तु पितरो हवेखु। यह रहा मघा नक्षत्र के मूल शांति का वैदिक मंत्र। और अब ज्येष्ठा नक्षत्र के मूल शांति का वैदिक मंत्र। त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र गुंग हवे हवे सुहावगुंग सूरमिन्द्रम् ह्वायामि सकरं पुरुहूतमिन्द्र गुस्वस्तिनो माघवाधात्विन्द्रः। अब मूल नक्षत्र के मूल शांति का वैदिक मंत्र। माता च ते पिता च ते ग्रं वृक्षस्य रोहतः प्रतिलामीति ते पिता गभे मुष्टिमातगुं सजत। इस प्रकार से यह मूल नक्षत्र का भी मूल शांति का वैदिक मंत्र रहा। अब रेवती नक्षत्र जो सबसे आखिरी नक्षत्र है, इस नक्षत्र का मूल शांति का वैदिक मंत्र। पूखन पूखन तव व्रते वायन नरिखिये मा कदाचन स्तोता रस्त इह समासी। इस प्रकार से यह छह मूल नक्षत्र होते हैं और आपने क्रमशः छहों मूल नक्षत्रों के वैदिक मंत्र जाने। यह वैदिक मंत्र प्रत्येक नक्षत्र के मूल शांति के मंत्र हैं। जिस भी नक्षत्र में बालक का जन्म हो उसी नक्षत्र के वैदिक मंत्र का जाप करके मूल शांति करवाना चाहिए।